एक तरफ हेमंत सोरेन अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में केक काट रहे हैं, तो दूसरी ओर नियुक्ति वर्ष में झारखंड के बेरोजगार युवा जेएसएससी सीजीएल के मसले पर ट्विटर पर बवाल काट रहे हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार चौतरफा घिरी है। शनिवार को ट्विटर यानी एक्स पर हैशटैग युवा विरोधी हेमंत सरकार ट्रेंड हुआ। इस हैशटैग पर शनिवार को शाम 4:15 बजे तक 1,70,000 ट्वीट किए जा चुके थे। झारखंड के युवा खासतौर पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर से टाले जाने से काफी नाराज हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया था, जिसमें जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं अब अगस्त की बजाय सितंबर के अंतिम में आयोजित कराने की बात कही गई थी। इसे लेकर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। अब हैशटैग युवा विरोधी हेमंत सरकार पर झारखंड के युवा लगातार ट्वीट कर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को यानी 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का भी वादा दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किए जाने के बाद से ही झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष रोजगार के मसले पर मुद्दे पर सरकार को निशाना बना रहा है। युवा भी सड़कों पर हैं। अलग अलग छात्र संगठन अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़कों पर आ चुके हैं। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, भानु प्रताप शाही और सुदेश महतो सरीखे तमाम बड़े नेता लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन के इस बयान की भी निंदा की जा रही है, जिसमें उन्होंने भरे सदन में दावा किया था कि अब तक 1.5 लाख नौकरियां दे दी जा चुकी। दरअसल जेएसएससी सीजीएल के जरिए आखिरी बार साल 2012 में नियुक्तियां हुई थी। 2015 में रघुवर दास के कार्यकाल में वैकेंसी निकाली तो जरूर गई। अगस्त 2017 में परीक्षा हुई लेकिन रद्द हो गई। इसके बाद कई बार संशोधित विज्ञापन जारी हुआ लेकिन अपरिहार्य कारणों से परीक्षा टलती रही। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई थी लेकिन पेपर लीक हो गया। विधानसभा के ही 2 कर्मी इसमें लिप्त पाए गए। जांच के लिए गठित एसआईटी ने और कोई अपडेट अब तक नहीं दिया। पता ही नहीं चलता कि जांच कमेटी करती क्या है। इसके बाद से दोबारा फिर कभी परीक्षा हो ही नहीं पाई। अब सितंबर संभावित तारीख है। गौरतलब है कि झारखंड में कई नियुक्तियां प्रक्रिया लंबित है। झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। कृषि पदाधिकारी के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी लंबित है, जिसके आने की संभावना बहुत हद तक दिख रही है। जैसे सीजीएल विशिष्ट टेक्निकल सेवा की नियुक्ति परीक्षा भी अभी लंबित है। हाल ही में आयोग ने 13 ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया है, जिसकी या तो परीक्षा नहीं हुई या फिर परिणाम जारी ही नहीं किया गया है। झारखंड में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 4,66,494 है, लेकिन केवल 1,79,365 कर्मी ही काम कर रहे हैं। समझिए कि झारखंड कैसे चल रहा है। अभी 2,87,129 सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता सहित कई महत्वपूर्ण विभाग। पिछले 5 साल में राज्य सरकार सिविल सेवा आयोग की तरफ से मात्र एक ही परीक्षा करा पाई है, जिसमें महज 257 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 352 पदों पर निकली जेपीएससी की दूसरी वैकेंसी भी अभी लंबित है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गौरतलब है कि झारखंड देश का 7वां सबसे बेरोजगार राज्य है। रोजगार की मांग पर युवा सड़क पर है। ट्विटर पर भी लड़ाई जारी है। देखिए आगे क्या होता है। देखने को तो बहुत कुछ देखा जा सकता है, पर देखते देखते अब झारखंड के युवा थक गए हैं। पहले जो सरकार आज सत्ता में है उनको विपक्ष में रहते देख रहे थे, और जो आज विपक्ष में है उनको सत्ता में रहते हुए भी देख लिए। पर देखने से सरकार कहां चलती है। सरकार तो चल भी जाए पर सिस्टम नहीं चल पाती। पर सरकार और सिस्टम दोनों चल जाए देखने से, तब बेरोजगार युवाओं की जिंदगी नहीं चल पाती। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप तमाम झारखंड के बेरोजगार युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं
और द फोर्थ पिलर लगातार आपके हिस्से के सवालों को सरकार के सामने, व्यवस्था के सामने उठा रहा है। अगर आपको लगता है कि द फोर्थ पिलर आपका सही ठिकाना है जहां इस तरह के मसलों को बहुत ही प्रमुखता से जगह दी जाती है, तो आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द फोर्थ पिलर के फेसबुक पन्ने को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पन्ने को आप फॉलो कर सकते हैं, और लगातार जब भी आपको लगे कि किसी मसले पर द फोर्थ पिलर को आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप कहीं पर भी द फोर्थ पिलर के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट पर द फोर्थ पिलर की टीम की निगाह बनी हुई है। हम जरूर आपके तमाम सवालों को सरकार तक पहुंचाने की निष्पक्ष कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।